आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक 360 बिलियन डॉलर से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला देश भारत है।